हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर हस्ती की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से आ गया हूँ उस भूतिया बच्चे पिल्लू हटेले को बेबीसिट करने आए एक और लौंडे की स्टोरी के साथ। वैसे यार, पिछले दो बेबी सिटर्स की स्टोरी ना मैं आपको पिछले पार्ट में सुना चुका हूँ, सो मेक श्योर कि आपने वो वीडियोस देखी हैं। विद दैट सेड, बिन बकवास, आज की वीडियो लेट्स स्टार्ट। तो यार, ये कहानी है एक लौंडे की। उसका नाम था छोटा छतरी। अरे मानसून आ गया है, मुझे भी चाहिए एक छतरी। अबे साले, कमकल के चाय की पत्ती, अपुन को छोटा छतरी बुलाते हैं। छोटा छतरी ना यार, छोटे छतरे को ना पैसों की कतई कड़की चल रही थी। अब चॉकलेट डे के दिन ना उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला सिल्क खिलाओ, तो भाई ने बोल दिया फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रे। जिस पे गर्लफ्रेंड हो गई नाराज, और उसको मनाने का अब एक ही तरीका था, दैट इज कैसे भी करके वैलेंटाइंस डे के दिन उसे एक अच्छी पार्टी देना, एक अच्छा गिफ्ट देना जिसके लिए चाहिए होगा पैसा। नाउ यार, छतरी को ना दो चार दिन के लिए बेबी सेटिंग करने का एक ऑफर मिलता है और बदले में पैसा ही पैसा होगा, तो वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। फर्स्ट नाइट, अब छतरी बीड़ू बेबी सिटिंग करने वाले घर में पहुंच जाता है, और वही ना सामने पे बैठा होता है द बेबी इन येल्लो, यानी पिल्लू हटेला। माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। अरे भाई, जोगिंदर इतनी केला खाएगा सोची नहीं होगी। अब पिल्लू हटेला अपनी इनोसेंट सी आंखों से छतरी को घूर रहा होता है, बेचारा भूखा होता है। सब कुछ खाने को दो ना सब। सो छतरी फ्रिज से मिल्क की बोतल निकाल के पिल्लू को पिला देता है, बट ऊपर से दूध पीते ही पिल्लू नीचे से छींची कर देता है। सो छतरी उसकी नैपी बदलने के लिए उसे चेंजिंग टेबल पे रख देता है, और फिर वो नैपी लेने के लिए मुड़ता है, बट पीछे मुड़ते ही पिल्लू उधर से गायब होके सीढ़ियों के नीचे पहुंच गया होता है। छतरी भाई हैरान हो जाता है, बट देन वो पिल्लू को उठा के नैपी चेंज करके उसे उसके रूम में सुला देता है। बट पिल्लू ना गाइस बिना कहानी सुने नहीं सोता है, सो वो उसे द प्रिंस एंड द कैट नाम की एक बेड टाइम स्टोरी सुनाता है। अब जब छोटा छतरी ना रूम बंद करके नीचे को जा रहा होता है, तो उसे बगल वाले कमरे में जाते हुए एक बिल्ली के पंजों के निशान दिखते हैं, जो ना एक सीक्रेट एरिया होता है। बट गाइज, इसके बारे में ना हमें अगले पार्ट में पता चलेगा, सो अगर वो सीक्रेट आप मिस नहीं करना चाहते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा डालो। नाउ छोटा छतरी नीचे सोफे में बैठ के टीवी देखते देखते सो जाता है, बट थोड़ी देर बाद ना पिल्लू के रोने की आवाज ना उसकी नींद खोल देती है, सो वो उसे चुप कराने के लिए उसके कमरे में जाता है। बट गाइज, पिल्लू तो वहाँ होता ही नहीं है। अरे इस पिल्लू को कोई रस्सी से बांध दो, इधर से उधर फुदक रहा है, उधर से इधर फुदकने में लगा है ये पिल्लू। फिर ना छतरी को पिल्लू ना वहीं सीढ़ियों के नीचे पे बैठा हुआ मिलता है, सो वो ना उसे उठा के कमरे में ले जाके कैट वाला गुड्डा दे के सुला देता है, और खुद भी सो जाता है। इन टॉयज का चेहरा तो देखो, ऐसा लग रहा है मानो फटके चार हुई है इनकी। आज का सवाल, फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज पिज्जा सिमुलेटर में सैटरडे को आग कौन लगाता है? ए हेनरी, बी माइक, या फिर सी विलियम? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। सेकंड नाइट, अब गाइस यार दूसरी रात को भी ना वही अजीब सी चीजें होने लगती हैं। फ्रिज से दूध की बोतल गायब होके ना कबर्ड में पहुंच जाती है, पिल्लू की नैपी की आंखें उग जाती हैं, और वो ना खुद ब खुद उड़ के पिल्लू के पेरेंट्स के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ ना अजीब अजीब तरह की ड्रॉइंग्स होती हैं, जैसे बच्चे से शैतान के ट्रांसफॉर्मेशन वाली ड्रॉइंग्स। और वहाँ ना छतरी से पहले पिल्लू को बेबीसिट कर चुके लोगों के नाम भी होते हैं। नाउ गाइस यार, छतरी ना उस रात का काम वाम निपटा के पिल्लू को उसके पालने में डाल के रैबिट वाला टॉय दे के प्रिंस एंड द रैबिट वाली स्टोरी सुना के सुला देता है, और खुद भी सो जाता है। थर्ड नाइट, अब यार छतरी को लग गई थी भूख, सो भाई ना किचन में जाता है और टोस्ट बनाने लगता है, और तभी टोस्टर फट जाता है, और चारों तरफ दीवार पे, जमीन पे वही काली काली सी चीज आ जाती है। दीवार पे लिखा होता है फीड मी, मतलब मुझे खिलाओ, जो देख के छतरी चिल्ला जाता है। खुद खाने में क्यों लगा था भाई, पिल्लू को खिला देता पहले, फिर खाता रहता टोस्ट वोस्ट, अब ले भुगत। डरी हुई हालत में छतरी फटाफट फ्रिज से दूध की बोतल निकालने के लिए जाता है, बट गाइज फ्रिज तो फिर से भूतिया बन गया था। छतरी अंदर घुसता है, अंदर तो टनल बन चुकी होती है, बट स्टिल वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकल जाता है,
और फिर वो पहुंचता है हॉल में, जहां डाइनिंग टेबल पे पिल्लू द मॉन्स्टर बेबी अपना डरावना सा मुंह बना के बैठा हुआ होता है। फटी हुई हालत में ना छतरी उसे दूध पिलाता है और वो फिर से छींची कर देता है। बट जैसे ही छतरी उसकी नैपी चेंज करने के लिए जाता है, पिल्लू तो भूतिया मोड में आ जाता है। कैसा बच्चा है यार ये गाइस, मतलब यार वो बेबी सिटर इसकी गंदी गंदी छड्डियां बदल रहे हैं, उसके बाद भी साला उन्हीं को डरा रहा है ये। नाउ छतरी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और सीधे दौड़ते दौड़ते वो ऊपर पेरेंट्स के रूम में पहुंच जाता है, जहां ना इमरजेंसी बॉक्स में बच्चों का वो चूसने वाला निप्पल रखा होता है। बट वो कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है, वो शायद से जादू ही होता है। सो जब वो उसे पिल्लू के मुंह में डालता है ना, तो पिल्लू सो जाता है और फाइनली छतरी सोचता है कि बच गया। देन वो पिल्लू को उठा के उसके रूम में रखने के लिए जाता है, बट देन पिल्लू हवा में उड़ रहा था, चारों तरफ वही काला गाढ़ा सब्सटेंस चिपका हुआ था। अब छतरी ना फटाक से पिल्लू को शीप वाला टॉय देता है और प्रिंस एंड द शीप वाली स्टोरी सुनाने लगता है। बट स्टोरी खत्म होते ही ना पिल्लू अपने सिंहासन में बैठा हुआ था और फिर ना वो छोटा छतरी को भी अपने साथ ले जाता है। अरे छोटा छतरी भाई सुनो, अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर तो दे जाओ, मैं घुमा लूंगा उसे वैलेंटाइन डे को। दी एंड। ओके सो गाइस, अब ना मैं आपको एक एक करके वो बेड टाइम स्टोरी सुनाता हूँ जो छतरी ना पिल्लू को सुनाता है। द प्रिंस एंड द कैट। एक रात को राजकुमार सोया हुआ था कि तभी एक बिल्ली उसके बिस्तर में कूदी और उसने उसकी नींद खोल दी। बिल्ली बोली, मुझे एक गार्डन मिला है, चलो देख के आते हैं। सो प्रिंस बोला, चलो चलो चलो। देन वो उस गार्डन में पहुंचे जहां ना इतनी खूबसूरती थी कि क्या बताऊं। गार्डन देख के ना आप भी कहोगे, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बट राजकुमार था कतई शैतान, उसने एक डंडा पकड़ा, फिर वो बोला, खत्म कर दूंगा, और उसने ना पूरे गार्डन के फूल तोड़ डाले। बिचारी बिल्ली सोचने लगी कि आखिर मैंने इसको इस गार्डन के बारे में बताया ही क्यों। द प्रिंस एंड द रैबिट। एक बार एक खरगोश उसी राजकुमार से मिलने आया। वो राजकुमार उस नन्ही सी जान खरगोश को देख के बोला, टाइम टू प्ले, आजा खरगोश से खेलेंगे। बट गाइज यार, राजकुमार की शैतानी आंखें देख के ना उस खरगोश की फट गई और उसने बाहर को दौड़ लगा दी। देन प्रिंस उसके पीछे पड़ गया और वो चिल्लाने लगा, पकड़ो उसे पकड़ो। बेचारा खरगोश भागता रहा, डुबुक डुबुक डुबुक, और फिर वो बड़ी मुश्किल से महल से बाहर निकल के जंगलों को वापस चला गया। गाइज वो राजकुमार ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, सो वो रोने लगा। एंड देन उसकी माँ यानी रानी बोली, बेटा चिंता नहीं करने का, मैं तेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेके आऊंगी। द प्रिंस एंड द शीप। एक ठंडी चांदनी रात की बात है, राजकुमार अपने बिस्तर में लेटा हुआ था, बट उसे नींद नहीं आ रही थी, सो वो चिल्लाया, मम्मी मुझे मेरी सीप चाहिए। वैसे गाइस यार एक बार सोचो तो, इतनी रात को ये प्रिंस उस भीड़ के साथ क्या करेगा। अरे ठुमके मारने का मन कर रहा होगा राजा बाबू का। नाउ रानी उसके लिए ना वो शीप ले आती है। अब पहले तो उसने भेड़ से दूध मंगवाया, फिर राजा बाबू ने कहा मेरे कपड़े बदलो, देन उसने कहा मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे साथ एक दो तीन चार करो। बेचारी शीप भी बोली, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एंड देन गाइस फाइनली ना उस राजकुमार ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और बोला, अरे ओ भेड़ खुद जा मेरे मुंह में और मेरे सपनों में खो जा। एंड देन इसी के साथ ना वो उस बेचारी को जिंदा निगल गया। वैसे गाइस एक बात बताऊं, वो राजकुमार और अपना पिल्लू हटेला ये एक ही हैं। राजकुमार उस जमाने का था, ये पिल्लू हटेला इस जमाने का है। बट इन सब के बारे में ना हम कभी और बात करेंगे। बाकी यार आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।